हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम जोर पकड़ता जा रहा है। पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के मूड में है, तो कांग्रेस अपना एक दशक लंबा बनबास खत्म करना चाह रही है, तो वहीं राज्य स्तरीय दल अपने प्रदर्शन के स्तर को काफी हद तक सुधारना चाहते हैं। इसके लिए दल जाट और दलित पॉलिटिक्स के जरिए अपने चुनावी वैतरण को पार करना चाहते हैं, खासकर दलित वोटर के जरिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे संपन्न राज्य में 1 अक्टूबर को वोटिंग कराई जानी है। जून में आए लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद प्रदेश में दलित जाट की राजनीति फिर से तेज हो गई है। लोकसभा चुनावों 2019 में सभी 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार महज 5 सीटें ही जीत सकी, शेष 5 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गईं। राज्य में एससी के लिए रिजर्व 2 संसदीय सीटें भी कांग्रेस के कब्जे में ही चली गईं। इस तरह से एससी के लिए रिजर्व 17 विधानसभा क्षेत्रों में से 13 सीटें कांग्रेस के खाते में आ गई हैं। लोकसभा के चुनाव परिणाम बताते हैं कि इस बार जाटों और अनुसूचित जाति के वोटर्स ने कांग्रेस को जमकर वोट दिया। ऐसे में विधानसभा चुनाव में इनकी अहमियत बढ़ गई है। इसी को देखते हुए कभी राज्य में बेहद मजबूत माने जाने वाले चौटाला परिवार से निकले 2 राजनीतिक दलों में खासा उत्साह दिख रहा है। चुनाव में अच्छे परिणाम के लिए इन्हें दलित चेहरे की तलाश है, जो उन्हें मायावती और चंद्रशेखर आजाद के रूप में दिखती है। यही वजह है कि जाट परिवार की अगुवाई वाली INLD और जननायक जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के इतर इंडिया नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दोनों दलों ने पिछले महीने जुलाई में अभय चौटाला को गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बनाया है। दोनों के बीच तीसरी बार गठबंधन हुआ है। प्रदेश की 90 संसदीय विधानसभा में INLD 53 तो बहुजन समाज पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मायावती और चौटाला परिवार के बीच ये पहला गठबंधन नहीं है। साल 1996 में दोनों ने पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया था। INLD ने 7 तो बसपा ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव में गठबंधन को खासा फायदा भी हुआ था और प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर कब्जा जमा लिया। चुनाव में मायावती की बसपा को एक तो INLD के खाते में लोकसभा की 4 सीटें आई थी। गठबंधन के 22 साल बाद दोनों दलों ने फिर गठबंधन करने के मूड बनाया। फिर अक्टूबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में JJP ने शानदार प्रदर्शन किया और 87 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 10 सीटों पर कब्जा जमा कर सभी को चौंका दिया। पार्टी को कुल पड़े वोटों में से 14.80% वोट मिले। बीजेपी मामूली अंतर से सरकार बनाने से रह गई, तो उसे दुष्यंत चौटाला को साथ लेना पड़ा। दुष्यंत मनोहर लाल खट्टर की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए। अब दुष्यंत और बीजेपी की राहें अलग हो चुकी हैं। दुष्यंत चौटाला राज्य में नया राजनीतिक समीकरण बनाने की कवायद में जुटे हैं। ऐसे में उन्हें युवा दलित चेहरा चंद्रशेखर आजाद के साथ आने से फायदा मिलता दिख रहा है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में जाट दलित का साथ कांग्रेस को मिला था और 5 सीटों पर कब्जा भी जमा लिया था। अब देखना होगा कि आम चुनाव में कांग्रेस के साथ खड़े दिखने वाला जाट दलित समाज प्रदेश में चंद महीने बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में किसका साथ देता है।